हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे थे, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज के तहत हम लोगों ने भारत के जो भौतिक विभाजन, यानी जो भारत का भू आकृतिक प्रदेश है, उसको 5 पार्टों में बांटा गया है भारत में, तो उनको हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और उसी क्रम में हमने पहला जो है वो दोस्तों हिमालय को पढ़ना शुरू किया था। हिमालय पढ़ रहे थे तो हमने दोस्तों आपको हिमालय के बारे में बताया, फिर बताया कि मैंने आपको कि हिमालय को भी फिर अगेन क्या होता है दोस्तों, दो आधार पर बांटा जाता है। एक तो दोस्तों भौगोलिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया जाता है, और दूसरा एक प्रादेशिक आधार पर जो हिमालय है उसका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, हम लोग दोस्तों हिमालय पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोग दोस्तों टॉपिक पढ़ रहे थे हिमालय। मैंने हिमालय में आपको पूरा बताया कि हिमालय कैसे बना, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या क्या है, सारी चीजें पहले मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया और लिखाया, ठीक है। दूसरी चीज फिर मैंने आपको इसमें बताया कि जब फिर इसके बाद मैंने एक पॉइंट इसमें बताया था कि हिमालय का भी हम लोग दो पार्ट में इसका वर्गीकरण होता है, इसको दो रूप में बांटा जाता है। एक तो दोस्तों भौगोलिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण होता है, हिमालय का वर्गीकरण। सेकंड दोस्तों होता प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण। तो यानी हिमालय को भी हम लोग अगेन दो पार्ट में बांटते हैं। फिर क्या करते हैं दोस्तों, भौगोलिक आधार पर हिमालय को दोस्तों हम लोग 4 पार्ट में इसको देखते हैं, 5 पार्ट में, सॉरी दोस्तों। फर्स्ट जो होता है उसको दोस्तों हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या दोस्तों? ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर सेकंड जो होता है दोस्तों उसको महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय। थर्ड जो होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं लघु हिमालय, लघु, या इसी को दोस्तों मध्य हिमालय भी कहा जाता है, मध्य हिमालय। फिर फोर्थ होता है दोस्तों उसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है, शिवालिक हिमालय। और फिफ्थ जो होता है उसको दोस्तों क्या बोलता है दोस्तों, तो उसको पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। ये हो गई, यानी ये भौगोलिक आधार पर, यानी किस तरीके ऊंचाई के आधार पर, इस तरीके से हम लोग इसको 5 पार्ट में बांट देते हैं। फिर इसको बाद अगर हम देखें दोस्तों प्रादेशिक आधार पर भी हिमालय को अगेन 4 पार्ट में बांटा जाता है। पहला जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय जो प्रादेशिक आधार पर, ठीक। सेकेंड जो होता है दोस्तों उसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं, क्या? कुमायूं हिमालय। थर्ड जो होता है उसको दोस्तों नेपाल हिमालय बोला जाता है, नेपाल हिमालय डिवीजन है इसका, क्योंकि इसका अधिकांश भाग नेपाल में है, तो इसीलिए इसको नेपाल हिमालय। और फोर्थ जो है वो दोस्तों उसको असम हिमालय, क्योंकि इसका अधिकांश भाग असम में है, तो इसीलिए इसको असम हिमालय। तो ये एक क्षेत्र में विस्तृत है, उस क्षेत्र की इसकी इसमें अधिकता है, क्योंकि उस क्षेत्र में अधिक इसका विस्तार है, इसलिए इसको ये नाम दिया जाता है। तो दोस्तों देखें तो हम हिमालय को पूरा कुल मिला के इस तरीके से हम लोग डिवीजन करते हैं, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को हिमालय का जो भौगोलिक वर्गीकरण है, यानी भौगोलिक आधार पर जो हिमालय का वर्गीकरण है, उसको कंप्लीट कराया था कल लास्ट क्लास में। मैंने इसके ऊपर पूरी 3 क्लास ली और सारी क्लासेस 40 मिनट की, तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं कितने डिटेल से मैंने कराया। और ये भी आपको मैं बता दूं, ये जो क्लास है कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है, प्री कम मीन्स हर चीज को एकदम क्लियर और एकदम अच्छे से करा जाएगा, और विद मैप से, मैप बिना, विदाउट मैप मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता हूँ, विद मैप के साथ आपको सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है कि आप बस आराम से यहाँ बैठें, चीजों को मेरे साथ साथ लिखते चलें, चीजों को मेरे साथ साथ समझते चलें, और जो भी डाउट हो आप पूछते चलें कमेंट में, ठीक है। तो ये आपका बस काम है, और बस मेरी आपके एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी है आप बस मेरी वीडियो कुछ टाइम रुक के देखें, 2-4-10 मिनट रुकेंगे तभी आप समझ पाएंगे किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। और मैं आपको एक बार गारंटी दे सकता हूँ कि जितना डिटेल से मैं पढ़ा दूंगा उसको यहाँ कहीं भी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। और हर चीज़ को विदाउट मैप, बिना मैप के हम लोग समझते नहीं है, ज्योग्राफी मैप के बिना नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो ये दोस्तों जो 5 डिवीजन है जिसका दोस्तों भौगोलिक आधार है, इसको हमने कंप्लीट किया, ठीक है। आज जो हम लोग दोस्तों हैं जो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन, इसको आज हम लोग करेंगे, ठीक है। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन, इसको आज हम लोग शुरू करेंगे।
तो अब आज की जो हेडिंग रहेगी आप लोगों की वो है दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और जो भी दोस्तों नए हैं, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप लोग दोस्तों बस रुकें, वीडियो को पूरा देखें, 10-15 मिनट जरूर देखें, तो तभी आपको फील हो पाएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ता हूं। और आपको मैं बता दूं, बहुत डिटेल से होने वाला है ये कोर्स, एक एक चीज आराम से आपको समझ में आएगी, मैं ये भी आपसे बोल सकता हूं। तो अब हेडिंग जो रहेगी आपका हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, है ना, हेडिंग जो रहेगी आपका, हेडिंग जो रहेगी आपकी वो रहेगी दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों, मैं यहां पे हर चीज आपको लिखाता हूं, लिखे हम लोग नोट्स बनाते चलते साथ में। तो क्या है दोस्तों, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, प्रादेशिक विभाजन। देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको देखो प्रादेशिक विभाजन में कुछ नहीं है, क्या किया गया है, इसको जो बांटा है सर सिडनी बुराड, एक जो भूगोल शास्त्र थे, भूगोल शास्त्रवेत्ता थे, उन्होंने सर सिडनी बुराड ने इसको क्या किया है, इसको चार भाग में बांट दिया है, जो हिमालय है उसका प्रादेशिक आधार पर चार भागों में बांटा। कैसे बांटा, तो उन्होंने नदियों के आधार पर, नदियों के प्रवाह और नदियों के बीच कुछ नदी लिए और उन नदी के बीच के जो क्षेत्र है उसको दोस्तों एक हिमालय के नाम से बांट दिया। जैसे उन्होंने कहा कि सिंधु एवं सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो दोस्तों पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय कहने का उनका मेन रीजन ये था कि उसका अधिकांश भाग जो है हिमालय का वो पंजाब में विस्तृत है, इसीलिए उसको पंजाब हिमालय बोल दिया। इसी तरह को उससे उन्होंने क्या किया कि जो सतलज से लेकर काली नदी के जो बीच क्षेत्र में है उस क्षेत्र को उन्होंने कुमाऊं हिमालय बोला, क्योंकि कुमाऊं हिमालय इसलिए बोला क्योंकि उसका अधिकांश विस्तार उत्तराखंड में है और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो कुमाऊं वाला क्षेत्र ज्यादा उसमें विस्तृत है, इसीलिए उसको कुमाऊं हिमालय बोला। इसी तरीके से उन्होंने काली से तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल बोला, नेपाल हिमालय बोला, क्यों, क्योंकि उसका अधिकांश विस्तार नेपाल, और आप जब देखेंगे तो तिस्ता से लेकर काली से लेकर तिस्ता का जो क्षेत्र है वो वास्तव में, क्योंकि तिस्ता जो सॉरी जो काली नदी है वो नेपाल और उत्तराखंड के जो बॉर्डर है उसके बीच से बहती है और जो तिस्ता नदी वो सिक्किम से, तो आप देखिए दोनों जो है क्या है कि वो बॉर्डर बना रही है किसका, नेपाल का, तो इसीलिए उस नेपाल में अधिकांश भाग विस्तृत है इसलिए उसको नेपाल हिमालय बोल दिया। और फिर इसी तरीके से आप देखेंगे तो जो तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है उसको असम हिमालय बोला क्योंकि उसका अधिकांश भाग असम में है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक डिवीजन बना दिया प्रादेशिक आधार पर जो हिमालय का। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेषताएं हैं, हम डायग्राम से इसको पहले समझेंगे, पहले हम इसको समझेंगे डायग्राम से फिर लिख लेंगे। देखिए मैं आपको एक मैप बना के बताता हूं अच्छे से, आप इसको मेरे साथ आप भी मैप बना लीजिएगा, मैं इधर मैप बनाता हूं थोड़ा सा इधर करके ताकि उधर थोड़ा स्पेस रहेगा। ठीक है, हमको जरूरत है दोस्तों ऊपर वाले हिस्से की, तो हम लोग ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे, नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हम देखें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हम लोग अपने प्यारे भारत को बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर बनेगा तो फिर वो और विस्तृत कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और चौड़ा बना देते हैं क्योंकि तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो हमारा जो है वो हो गया दोस्तों प्यारा भारत। हमको लग रहा है थोड़ा टेढ़ा लग रहा है आप लोगों को ना, टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, बस थोड़ा सा मैंने इधर गड़बड़ कर दिया, बाकी तो सब सही है। देखो मेरा जो है वो मैं इधर से बनाता हूँ तो मेरा सब कुछ सही बनता है। थोड़ा सा टाइम देंगे बस दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना मैप इस तरीके से होने लगता है कि बनता ही नहीं मुझसे, फिर कभी कभी तो मुझे एक भी बार नहीं मिटालना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है हमारा प्यारा।
हाँ आप कुछ सही ला बनेगा, थोड़ा सा और इसको लंबा लेते हैं, इसको दिखाना भी है। तो ये दोस्तों क्या है, इस तरीके से हमारा दोस्तों क्या होता है, प्यारा भारत होता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा दोस्तों, सॉरी इसके लिए, क्योंकि दोस्तों जरूरी है, मैप बिना आप मेरी ज्योग्राफी को तो भाई समझ ही नहीं पाएंगे, और अब सही भी है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने बताया इसमें चार नदियां हैं, तो जैसे कि आप, मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखाऊंगा, रेड कलर से आपको शो करूंगा। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहां से इस तरीके से, यहां से ऐसे होते हुए इस तरीके से, और इधर से इस तरीके से होते हुए जो है सतलुज, जो सिंधु नदी है वो इस तरीके से आती हुई इधर आके, तो ये कौन सी नदी है, तो ये दोस्तों सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी है जो इस तरीके से बहती हुई आती है, और फिर यहीं से इस तरीके से, यहीं से यहां से ऐसे होते हुए इस तरीके से, यहां से इस तरीके से, और यहां इस तरीके से होते हुए फिर आती सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी, ये कौन सी नदी है, तो ये दोस्तों है सतलज, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी, और फिर सतलज नदी के ऐसे इधर से, इस यहां से इस तरीके के जो क्षेत्र है, यहां इस तरीके से बॉर्डर से होते हुए यहां भी दोस्तों बहती है तिस्ता नदी। कौन सी, तो तिस्ता, तिस्ता नदी, सॉरी दोस्तों काली नदी, सॉरी 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 काली नदी, काली नदी, काली नदी। और ये नेपाल है दोस्तों, ये भाग जो है ये नेपाल आप जान ही रहे। ठीक है, यहां से दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे तिस्ता नदी बहती है, और सॉरी काली नदी, फिर मेरे मुंह से तिस्ता, और फिर यहां आप देखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से यहां पे दोस्तों तिस्ता नदी, तिस्ता नदी इस तरीके से, क्योंकि यहां पे तिस्ता नदी। ठीक है, और फिर यहीं से होते हुए दोस्तों, इस छोर से वैसे होते हुए, यहां से यहां पे इस तरीके से होते हुए आपको देखे ना कि मिलेगा, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी यहां पे बहती है। तो ये दोस्तों कौन सी नदी है, तो ये दोस्तों है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे आप, चार जो पांच नदियां हैं उस तरीके से बह रही है। ठीक है, मैंने नदियों को बता दिया। तो जैसे सिंधु एवं सतलज के जो बीच का जो क्षेत्र, उसको दोस्तों क्या बोला इन्होंने, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय। और जो सतलज एवं काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसको दोस्तों इन्होंने बोला कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। और काली से तिस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है, उसको इन्होंने बोला नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है, और इसको दोस्तों इन्होंने बोला, तिस्ता से जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बीच का जो क्षेत्र है, उसको दोस्तों इन्होंने असम हिमालय बोला, असम हिमालय। अब समझ में आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से इनका ये डिवीजन है। जैसे कि अगर हम बात करें, तो अगर इसकी लंबाई की बात करें, ये कितने क्षेत्र में विस्तृत है, तो ये लगभग दोस्तों 560 किलोमीटर इसका जो है विस्तृत है। और ये अगर इसकी बात करें, तो ये दोस्तों 320 किलोमीटर लंबा विस्तृत है। और इसकी ये सबसे लंबा क्षेत्र है हिमालय का, तो ये 800 किलोमीटर है, और ये लगभग दोस्तों 720 किलोमीटर। किसी किसी बुक में आपको 750 किलोमीटर भी लिखा होगा, तो उस पर ज़्यादा मत जाइएगा, 720। ठीक है, मैं बता दिया। तो इस तरीके से ये हिमालय विस्तृत है। तो ये डायग्राम आप जरूर बना लीजिए पहले, फिर बाद में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, आप फटाक से इसका डायग्राम बनाइए, फिर हम इसको लिखते हैं ना। दिख रहा है एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बस थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा सारा कुछ। बस डायग्राम आप जरूर बनाइए, डायग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी, कंपलसरी है दोस्तों, ये डायग्राम से ही समझ पाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम आगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, कुछ इसके बारे में लिखेंगे, कुछ इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इधर से लिखना शुरू कर, बना लिया होगा आपने, तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। अब देखो इसमें पहले कुछ नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे सर सिडनी बुराड ने, लिखेंगे सर सिडनी बुराड ने, बुराड ने नदियों के आधार पर, नदियों के
आधार पर हिमालय का सर सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर हिमालय को प्रादेशिक आधार पर हिमालय को प्रादेशिक आधार पर चार भागों में विभाजित किया कौन कौन से हैं वो? तो पहला पार्ट आप लिखेंगे पंजाब हिमालय, ठीक है, डिफरेंट पेन से लिख दे रहा हूं मैं, पंजाब हिमालय पहला तो ये हो गया। सेकंड दोस्तों कुमायू हिमालय, कुमायू हिमालय। थर्ड जो है दोस्तों नेपाल हिमालय। फोर्थ जो है दोस्तों असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। तो ये दोस्तों चार पार्ट में हो गया बात इसकी, ठीक है, इसको लिखे फटाक से। सर सिडनी बोराड ने नदियों के आधार पर हिमालय को प्रादेशिक आधार पर चार भागों में विभाजित किया है, यानी सर सिडनी बोराड जो हैं, जिन्होंने पहली बार भारत के जो हिमालय है, हिमालय को दोस्तों चार भागों में बांटा है। ठीक है, याद रखना, कभी भी पूछ सकता है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन निम्नलिखित में से किस भूगोल शास्त्र विशेषता ने किया है, तो सर सिडनी बुराड ने, ठीक है, बुराड ने। ये चीज याद रखना, ये फैक्ट है ये चीज। बाकी चीजें देखो, जो मैंने यहां पे बनाया है मैं उसी को लिखाऊंगा आपको, और आराम से चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आपने अगर मेरे से जो हिमालय का भौगोलिक आधार वर्गीकरण किया है तो आधे ज्यादा काम ऐसे ही हो गया। बाकी जो मैप में मैं जो बचा था वो मैंने मैप में समझा दिया, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता, बस जो चीजें हैं मैं लिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग लिखेंगे, पंजाब हिमालय के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, चलिए। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे दोस्तों पंजाब हिमालय, ठीक है, हेडिंग डालेंगे पंजाब हिमालय। हेडिंग डालेंगे, ठीक है, ये मैप आपने बना लिया होगा दोस्तों। मैप को मैं मिटा लूं, मैप को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो अब आप लोग लिखते चल, मैप बना रहने देते, क्योंकि दोस्तों जरूरी है, बात यह है कि हम समझाएंगे तो उसका जरूरत पड़ेगी। चलिए हम लिख लेते, यही पे पंजाब हिमालय हेडिंग डालेंगे आप लोग, फर्स्ट पंजाब हिमालय। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे इसका विस्तार, लिखेंगे इसका विस्तार सिंधु से लेकर सतलज नदी के बीच है। इसका विस्तार सिंधु से लेकर सतलज नदी के बीच है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि इसका इसका कुछ भाग, इसका कुछ भाग कश्मीर, कुछ भाग जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है, इसे
कश्मीर एवं हिमाचल, हिमालय भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट से इसका इसकी ल यह 560 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, के क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, यानी इसके बीच का जो कितने चौड़ाई में है, तो 560। ठीक है, इसको लिखेंगे फटाक से। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। ठीक, चलिए आगे हम, अब दूसरा ये हो गया, इसके बारे में बस इससे ज्यादा नहीं लिख रहा था। ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक, ये हो गया दोस्तों पंजाबी हिमालय। अब हम डालेंगे दोस्तों कुमायूं हिमालय दोस्तों। ठीक है, तो आप कुमायूं हिमालय मैंने दिखाया जैसे इनके बीच में है और लंबाई कितना है इसका, अधिक जो कुछ भाग है जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी है, इसीलिए इसको दोस्तों हिमाचल हिमालय एवं जम्मू कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया, भी कहते हैं ये जाना जाता है। फिर हम डालेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो है वो कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ठीक है, लिखेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ सतलज तथा काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा विस्तृत क्षेत्र है ना, यानी यह सतलज तथा काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, यानी कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक नदी के बीच में बता दिया और कौन से क्षेत्र है। ठीक है, ये बता दिया। फिर इसमें यह चीज जानेंगे, यह इसका विस्तार मुख्यतः इस लिखेंगे इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। इसमें एक पॉइंट लो, इसकी इसमें एक पॉइंट, इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, कभी कभी पूछ भी सकता है, नंदा देवी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये किसके किसके बीच में है, तो मैंने बता दिया कि ये सतलज तथा काली नदी के बीच है और कितने किलोमीटर, 320 किलोमीटर, और इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। बस ये तीन पॉइंट इसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले ही मैप में ही समझा दी, सतलज एवं काली नदी के बीच में है और दोस्तों 320 किलोमीटर लंबा। बस एक ही पॉइंट नया है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, क्योंकि नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये हो गया इसके बारे में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों नेपाल हिमालय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल हिमालय, पट से लिखेंगे दोस्तों। तो अब हेडिंग डालेंगे दोस्तों नेपाल हिमालय। ठीक है, इसमें पॉइंट क्या क्या लिखना है, यह काली नदी से तिस्ता नदी, देखो दिख रहा है ना, यह काली नदी से तिस्ता नदी के बीच लिखेंगे, यह काली नदी से तिस्ता नदी के बीच
के बीच 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर लंबा 800 यहाँ काली नदी से तिस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर लंबा लंबा पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भाग है, ठीक है। तो ये याद रखना कितने किस किस नदी के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो यह काली एवं तिस्ता नदी के बीच में है और कितने किलोमीटर है, 800। यह हिमालय का सबसे लंबा भाग है ना, याद रखना। यह हिमालय का सबसे लंबा भाग है, ठीक है, क्योंकि सबसे लंबा जो है नेपाल हिमालय सबसे लंबा भाग है, ठीक है। तो यह पूछा जा सकता है कि यह है ना, ठीक, ये हो गया। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका अधिकांश भाग नेपाल में विस्तृत है, इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे नेपाल हिमालय कहते हैं या नाम से जाना है, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक पॉइंट और लिखना है, पानी प्यास थोड़ी सी लिख लें, जब तक ये लिखें थोड़ा सा। एक पॉइंट इसमें एक और लिखना है, वो क्या है कि जो विश्व की जितनी महत्वपूर्ण जो ऊंचाई ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, हिमालय के क्षेत्र में विश्व की जितनी भी जो महत्वपूर्ण सर्वोच्च चोटियां हैं वो इसी हिमालय पे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी वो यहीं पर है। जैसे कि हम बात करते हैं जो कंचनजंगा है वो भी इसी हिमालय के क्षेत्र पे है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, लिख लें इसमें, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो दोस्तों बतानी नहीं पड़ेगी कितनी है, मीटर है। माउंट एवरेस्ट कितनी है दोस्तों, 8848.86 किलोमीटर में लिखाई थी। मैंने ये भी बताया था कि किसी किसी बुक में आप जो नई एडिशन की बुक आई है उनमें लिखा होता है 8850 किलोमीटर, सॉरी मीटर है दोस्तों, किलोमीटर नहीं, ओनली मीटर, सॉरी दोस्तों अगर मैंने किलोमीटर बोला हो तो उसके लिए सॉरी, ओनली मीटर, ठीक है। कितनी, 8850 मीटर, ठीक है, तो क्योंकि हाइट जो होती है मीटर में ही दिखाई जाती, ठीक है, ठीक है। तो ये बात हो गई, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो ये दोस्तों क्या हो गया, नेपाल हिमालय के बारे में बात हो गई। अब मैं आपको देखो मैप पे दिखाता हूँ, काली से तिस्ता नदी के बीच में पहला पॉइंट लिखाया 800 किलोमीटर, पहला पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखाया मसूसी में, और फिर यहीं पर मैंने आपको देखो दिखा भी दिया था कि नेपाल जो माउंट एवरेस्ट है, जब मैंने वो हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ाया था तब मैंने बताया कि हिमालय की चोटी कहाँ पर है, ठीक है। फिर और चीज़ें जैसे कि क्योंकि इसका देख रहे हैं आप अधिकांश भाग दोस्तों नेपाल में स्थित है, इसलिए इसको नेपाल हिमालय कहते हैं। सारी चीज़ें मैप में ही हैं, वही पॉइंट उठा के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास एक लिखा हुआ नोट्स रहे, ठीक है। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले मैप में समझेंगे, पहले चीज़ों को समझेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पाएगी। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों असम हिमालय, बहुत सरल है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट लिखने ही नहीं, दो पॉइंट लिखेंगे सिर्फ। एक क्या लिखेंगे कि कितने कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है और इसका अधिकांश भाग यह असम अरुणाचल सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है, ठीक है। तो लिखेंगे कौन सा, असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका विस्तार, इसका विस्तार तिस्ता नदी से काली नदी तक है, काली नदी के मध्य है,
इसका विस्तार तिस्ता नदी से काली नदी के बीच में है, बीच में है, ठीक है, बीच मध्य में है, मध्य में है लिख लीजिए, ठीक है, मध्य में है, ठीक है, पॉइंट कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यह सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है, में विस्तृत है, ठीक है, में विस्तृत, 3 स्टेट कवर करता है ये हिमालय, ठीक है, याद रखना है। और इसका अधिकांश भाग असम में स्थित है, इसीलिए इसको असम हिमालय बोलते हैं, बस हो गया काम। तो ये दोस्तों क्या है, ये हिमालय का भौतिक, ये वर्गीकरण क्या हो गया दोस्तों, किसके आधार पर, प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कर दिया। तो ये दोस्तों हिमालय का, अब ये होती है दोस्तों हिमालय की संपूर्ण पढ़ाई। मैंने आपको हिमालय पढ़ाने में 5 क्लास लिया है, और कोई भी क्लास दोस्तों 40 मिनट से तो कम है ही नहीं, ठीक है, 4 क्लास उधर कराई है और दोस्तों 1 क्लास ये, 5 क्लास मैंने आपको हिमालय को लेकर कराई है, ठीक है। तो बहुत डिटेल से हिमालय मैंने कराया है। पहले दिन मैंने आपको हिमालय का दोस्तों कैसे हिमालय, या जो बोलते हैं कैसे बना है, दूसरी चीज़, फिर मैंने आपको हिमालय का वर्गीकरण बताया, हिमालय के वर्गीकरण में मैंने आपको 2 क्लास 3 क्लासेस ली हैं, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको देन जाके आज प्रादेशिक विभाजन बता दिया। तो अब ये हिमालय का संपूर्ण कवरअप हो गया, और एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ, अगर इस टॉपिक से पूछा जाता है तो। पूरा मैंने आपको हर एक एंगल, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखो आपको मैं बता दूं, जैसे ये हिमालय है सतलज, जैसे कि ये प्रादेशिक विभाजन पर हिमालय है, तो हिमालय में आपसे सबसे पीछे पहले प्रादेशिक विभाजन में क्या पूछा जाएगा, कि पूछा जाएगा कि जो जो क्या कहते हैं पंजाब हिमालय है, निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत, कि जो पंजाब हिमालय है वो निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य स्थित है। तो आपको मैंने बताया कि सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है। इसी तरीके से आपको इन चारों में से कोई इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर चौथा आपसे दिया देगा, आपको क्रम लगाने के लिए दे देगा कि इनको क्रम पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए, है ना, हिमालय को प्रादेशिक आधार पर पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए, ये क्रम दे देगा। तो आपसे पश्चिम से पूरब पूछ सकता है, पूरब से पश्चिम पूछ सकता है। फिर आपसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय प्रादेशिक आधार पर हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नेपाल हिमालय सबसे लंबा है, जिसकी 800 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। फिर आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो कुमाऊं हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो मैंने आपको बताया नंदा देवी। फिर आपसे इस तरीके से नेपाल हिमालय के बारे में पूछा जा सकता है कि जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैंने आपको बताया माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती है इस क्वेश्चन के एंगल है, आपको क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए खुद से कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, तैयारी करने का सबसे अच्छा वे यही होता है कि जो क्वेश्चन पूछे गए उससे हटकर आप कुछ सोचे थोड़े उसमें डायमेंशन और क्या बन सकता है, क्योंकि जो अगला डायमेंशन होगा ना पेपर में वो वही होगा जो आप सोच रहे होंगे, कि अब जैसे जो पूछ चुका है वो डायमेंशन शायद ना ले वो, मगर उस टॉपिक का और जो बचे हुए डायमेंशन है उसको वो लेगा, उसको कहेगा कि अब इस डायमेंशन से हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हर डायमेंशन को आप कवर करते चलें और आप उससे खुद से क्वेश्चन पूछें। मैं इसीलिए आपको, आपने देखा होगा मेरे से जो भी पुराने पढ़ रहे हैं, मैं क्या करता हूँ जिससे कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो फिर मैं उसमें बताता हूँ कि इसमें से किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस किस तरीके से क्वेश्चन आया है। ये मेरा एक अंदाज है, एक तरीका है पढ़ाने का जो मैं करता आया हूँ और पिछले 2 साल से कर रहा हूँ और अभी भी आगे भी करता रहूँगा। बस आपको दोस्तों बस मेरे साथ बने रहना है। मैं हर एक टॉपिक को, ज्योग्राफी मैं आपको ये बता दूँ मास्टर बना दूंगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बस आप खाली मेरे साथ बने रहें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हिमालय के बारे में। अब दोस्तों हिमालय के बारे में एक चीज़ बताई बच चुकी है, वो क्या है दोस्तों, हिमालय में जो स्थित प्रमुख चोटियां हैं उनको स्टेट वाइज करना है, वो हम कल करेंगे क्लास। मैंने कहा था कि जब हम लोग हिमालय खत्म कर लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हिमालय की प्रमुख चोटियां, जो मैंने पिछले क्लास में आपको चोटियां पढ़ाई हैं वो पढ़ाई हैं दोस्तों मैंने आपको, कि कौन सी चोटी किस हिमालय के किस भाग में आती है। अब हम लोग देखेंगे कि हिमालय के दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले चोटियों को दोस्तों स्टेट वाइज पढ़ेंगे और उनका नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट ये सारा क्रम भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कल जो है हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों हिमालय की जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे,
ठीक है, तो जौन जौन सी है वो हम सारी चीजें। इसी तरीके से जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार पर जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, उनको हम लोग जब प्रायद्वीपीय पठार खत्म करेंगे तो उसके बाद वहां कर लेंगे। तो ये दोस्तों मेरा तरीका है। इसी तरीके से दोस्तों वहां के दर्रे वहीं खत्म करेंगे, यहां के दर्रे। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, कल हम लोग दोस्तों देखें क्या करेंगे, जो भारत की जो हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां कल उन पर बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास पे जो जो इसके महत्वपूर्ण दर्रे हैं हिमालय पर उनकी बात करेंगे। तो इस तरीके से जो हिमालय का टॉपिक वो खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग उत्तर भारत के मैदान में आएंगे, और उत्तर भारत के मैदान के बाद दोस्तों फिर हम लोग इसकी बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय पठार। इस तरीके से दोस्तों हमारा सिक्वेंस चलता रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत कम्प्रिहेंसिव और बहुत अच्छे से क्लास एक वे में चलने वाली है। आप लोग आराम से इसको देखें बैठकर, और आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें। और दोस्तों जिन्होंने जो भी नए हैं और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो और अच्छा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों बताएं किस तरीके का आपको समझ में है और क्या चाहिए। दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं, मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं या जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूं, पूरी शिद्दत से पढ़ाता हूं और सब हर एक एंगल को कवर करके चलता हूं। ये मेरा एक नेचर है, मैं पढ़ता भी उसी हिसाब से हूं और पढ़ाता। मुझे दोस्तों सतही ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। मैं जब तक किसी चीज़ को अच्छे से ना पढ़ूं, चीज़ें कॉन्सेप्ट में ना हो, मुझे नहीं समझ में आता। इसी तरह मेरे पढ़ाने का भी तरीका वही है, ठीक है। तो आप बस इस लहजे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको ज्योग्राफी अच्छे समझ में आएगी। ये मैं कह सकता हूं कि ज्योग्राफी को मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन करने लायक बना दूंगा, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है। तो चलिए, बस आपका मेरा सपोर्ट चाहिए मुझे, थोड़ा सा सपोर्ट। क्या दोस्तों, जैसे वीडियो है उसको शेयर करते रहा करें आप लोग, जैसे और दोस्त हैं जो उनको भी बताएं, और भी जो आपके चाहते हैं, जो पढ़ना अच्छे से अच्छा कंटेंट चाहते हैं ज्योग्राफी में, तो आपको जैसे ठीक है वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको बस थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करते रहना, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, और दोस्तों फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।